तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की विज्ञान के बारे में। याद रखिए, कक्षा 6वीं से कक्षा 9वीं तक की हम सब बुक्स देख चुके हैं जो हमारे लिए यानी कि आईएसपीसीएस में के लिए जरूरी है, और विज्ञान ही लास्ट बुक है कक्षा 9वीं की। इसके बाद हम लोग कक्षा 10वीं की बुक्स देखेंगे सभी। तो इनमें अभी तक हम लोग 6 अध्याय कंप्लीट कवर कर चुके हैं। और याद रखिए, जितने भी आपके लेक्चर हैं इससे संबंधित, वो एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। और समय रहते हुए अगर आप सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो समय रहते हुए आप लोग पढ़ लें इसे एनसीईआरटी को सभी को, क्योंकि इनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास कि इन्हें छोड़कर आप कोई और बुक्स पढ़ लें और सिलेक्शन हो जाए। तो समय रहते हुए इन सभी को पढ़ लें आप लोग। अगर टाइम है आपके पास तो कक्षा 6वीं से और कक्षा 12वीं तक की ही पढ़ें। अगर नहीं है टाइम, कुछ ज्यादा ही व्यस्त है, तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ सकते हैं। और वैसे भी कक्षा 6वीं से 8वीं तक की भी साथ में पढ़ लें, क्योंकि पता है एक सप्ताह में खत्म कर सकते हैं। बहुत सरल शब्दों में लिखी गई है और बहुत ही पतली पतली बुक्स हैं सभी, ठीक है। और सभी आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई हैं जो भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि कई लड़के पूछते रहते हैं कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। जो आपको पढ़नी है वो सभी डाल दी गई हैं, ठीक है। इसमें अध्याय में बात करेंगे जीवों में विविधता। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं? सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में भिन्न है। आप स्वयं को और अपने एक मित्र को ही लीजिए। क्या दोनों की लंबाई समान है, एक समान है? क्या आपकी नाक बिल्कुल आपके मित्र की नाक जैसी है? क्या आपकी और आपके मित्र की हथेली का आकार समान है? यदि हम अपने और अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करें तो हमें क्या देखेंगे? निश्चित रूप से हम पाते हैं कि हमें और हमारे मित्रों के बीच बंदर की अपेक्षा अधिक समानता है। परंतु जब हम अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों से करते हैं तो हम देखते हैं कि गाय की तुलना में बंदर और हमें अधिक समानताएं मिलती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बंदरों से के बाद ही तो हमारा यहाँ तक आना सफर हुआ वहां से चलकर। इसीलिए तो बोलता हूं कि आप सोचिए, सोचने वाली बात है कि हनुमान जी हमारे बंदर थे, वो एक स्टेज पार करके भगवान बन चुके हैं इस समय। सब लोग आप पूछते हैं, और आपने देखा होगा कहा जहां श्री राम की अगर मंदिर है वहां हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। लेकिन हम इंसान को देखिए कि एक स्टेज पार करके हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, इंसान से भगवान नहीं बन पा रहे हैं, वहां बंदर से सीधे भगवान बन चुके हैं आप। मतलब कोई उन्होंने इस तरह से वो तो नहीं किया, बनाए तो भगवान हम लोगों ने ही है, क्योंकि उनके अच्छे कर्म रहे हैं, मार्गदर्शन रहा है उनका अच्छा। तो कभी सोचा करिए इस तरह के पॉइंट पर कि वो बंदर से सीधे भगवान तक पहुंच गए हैं और हमें एक मतलब कदम नहीं बढ़ पाए हम लोग, वो 2 कदम बढ़ चुके आगे। चलिए खैर छोड़िए सब, इंसानियत, वफादारी, भगवान किताबों में ये अच्छे लगते हैं मुझे लगता है। अगर हम मानते होते तो आप नहीं समझ रहे हैं कि देखिए सब लोग मानते हैं कि भगवान होते हैं और भगवान सब देख रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसे फॉलो नहीं करते। किसी के साथ गलत काम कर रहे हैं, किसी को नीचे गिरा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तब नहीं भगवान देख रहा है कि आप उसके साथ बुरा कर रहे हैं तो हो सकता है भगवान तुम्हारे साथ बुरा करे। इसमें भगवान नहीं दिखते हैं। किसी के यहाँ चोरी छप डाल रहे हो, डकैती डाल रहे हो, तब आपको भगवान नहीं दिखेंगे। खैर छोड़िए, जो सजा होती होगी, जो होगा होता होगा। हमने देसी और जर्सी गाय के बारे में सुना है। क्या एक देसी गाय जैसी दिखती है? क्या सभी देसी गाय एक जैसी दिखती हैं? क्या हम देसी गायों के झुंड में जर्सी गाय को पहचान सकेंगे? पहचानने का हमारा आधार क्या होगा? अब हम लोगों को तय करना होगा कि कौन से विशिष्ट लक्षण वांछित समूहों के जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम यह भी तय करेंगे कि किन लक्षणों को छोड़ा जाए। अगर आपको इनके लक्षण पता चल गए किसी, जैसे आपको मालूम चल जाए कि जर्सी जो गाय है उसकी पहचान क्या होती है, तो आप पहचान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ना, समझ रहे हैं? अब पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के विभिन्न समूहों के बारे में सोचें। हम एक और जहां सूक्ष्मदर्शी से देखें देखे जाने वाले बैक्टीरिया
जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है, यानी कि हम खुली आंखों से देखेंगे तब नहीं देख पाएंगे। हमें इसके लिए आपका जो दूरबीन होता है उसकी जरूरत पड़ती है सूक्ष्मदर्शी की। वहीं दूसरी ओर वो 30 मीटर लंबे नीले हेल या फिर कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ भी पाए जाते हैं। कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ कीट जैसे मच्छरों का जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है। जब आपके हाथ में आते हैं तब इनका जीवन समाप्त हो जाता है। जैव विविधता रंगहीन जीवधारियों और पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूल में भी पाई जाती है। हमारे चारों ओर की इस आशी में विभिन्नताओं को विकसित होने में लाखों वर्ष का समय लगा है। इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे पास समय का बहुत छोटा हिस्सा है, इसलिए उनके बारे में हम एक एक करके विचार नहीं कर सकते हैं। इसकी जगह हम जीवधारियों की समानता का अध्ययन करेंगे, जिससे हम उनको विभिन्न वर्गों में रख सकेंगे, फिर भी विभिन्न वर्गों व समूहों का अध्ययन करेंगे। जीवन के इन विभिन्न रोगों की विभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए अनुरूप समूह बनाने के क्रम में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जो जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं। इसी पर जीवधारियों के मुख्य विस्तृत समूहों का निर्धारण निर्भर करेगा। इन समूहों में से छोटे समूहों का निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाएगा। ये आपके क्वेश्चन से इन्हें भी देख सकते हैं आप। वर्गीकरण के आधार पर हम लोग बात करेंगे। वर्गीकरण का आधार तो जीवों के समूहों के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय से ही किया जाता रहा है। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल और वायु में रहने वाले के आधार पर किया था। जो यूनानी विचारक थे, जो अरस्तु साहब, इन्होंने जीवों को का जो वर्गीकरण किया था स्थल, जल और वायु में रहने के आधार पर किया था। यह जीवन को देखने का बहुत ही सरल किंतु भ्रामक तरीका है। उदाहरण के लिए समुद्र में रहने वाले जीव जैसे प्रवाल, हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शॉर्क है, ये कई मायने में एक दूसरे से काफी अलग भी है। इन सभी में एकमात्र समानता इनका आवास है। अध्ययन एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूह में बांटना ठीक नहीं। इन्होंने क्या किया कि जो स्थल में रहते हैं उन्हें स्थल जीव बोल दिया, जो जल में रहते हैं जलीय जीव बोल दिया, समझ रहे? इस तरह से इन्होंने बांटा था। इसलिए हमें अब यह निर्णय करना है कि इन विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर बेहद वर्ग का निर्माण किया गया है। उसके बाद हम अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग को उपसमूहों में बांट सकते हैं। नए लक्षणों के आधार पर समूहों के भीतर इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें लक्षणों का अर्थ समझना पड़ेगा। जब हम जीव के किसी विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि समूह के सदस्यों में क्या क्या समानता है, जिसके आधार पर कुछ को एक साथ रखा जा सके। वास्तव में यही उनका लक्षण है और व्यवहार होता है, या फिर यह कहें कि यह यही उन जीवों का रूप और कार्य होता है। किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या फिर विशिष्ट कार्य है। उदाहरण के लिए हम में से ज्यादातर लोगों के एक हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं, जो एक लक्षण है। क्या है? एक लक्षण है मानव का कि 5 अंगुलियां होती हैं। उसी तरह हमारे दौड़ने की क्षमता और बरगद के पेड़ के ना दौड़ने पाने की क्षमता भी एक लक्षण ही है। अब हम देखेंगे कुछ लक्षणों को कैसे अन्य की तुलना में ज्यादा मौलिक लक्षणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हम विचार करें कि एक पत्थर की दीवार कैसे बनती है। दीवार में प्रयोग लाए गए पत्थर विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ऊपर की ओर लगे पत्थरों का आकार प्रकार नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन निचले स्तर के पत्थरों के आकार से उनके ऊपर वाले पत्थरों का आकार अवश्य प्रभावित करेगा। यहाँ पर सबसे निचले स्तर पर लगे पत्थर जीवों के उन लक्षणों के समान है जो जीवों की बेहतम वर्ग को निर्धारित करते हैं। ये लक्षण जीव के दूसरे किसी भी संरचनात्मक या क्रियात्मक लक्षण से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उसके बाद के स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षणों पर तो निर्भर करते हैं। बाद के स्तर के विकार को निर्धारित करते हैं। ठीक इसी तरह हम जीवों के वर्गीकरण के लिए परस्पर संबंधी लक्षणों का एक पदानुक्रम बना लेते हैं। आजकल हम जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति से प्रारंभ करके विभिन्न परस्पर संबंधी
अभिलक्षणों को दृष्टिगत रखते हैं। आइए हम ऐसे लक्षणों पर गौर करें। एक यूकेरियोटी कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं, जिसके कारण कोशिकीय क्रिया अलग अलग कोशिकाओं में दक्षतापूर्वक होती रहती है। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होता है, उनकी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं भिन्न होती हैं। इसका असर कोशिकीय संरचना के सभी पहलुओं पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक जीव के निर्माण की क्षमता भी होती है, क्योंकि वे किसी खास कार्यों के लिए विशेषीकृत हो सकते हैं। इसके लिए केंद्रक वर्गीकरण का आधार मूल लक्षण हो सकता है। प्रश्न उठता है कि कोशिकाएं अकेली पाई जाती हैं या फिर एक साथ समूह में पाए जाते हैं या फिर अविभाज्य समूह में मिलती हैं। जो कि कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं, उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। शारीरिक संरचना में सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती, बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं। यही वजह है कि जीवों की शारीरिक संरचना में इतनी भिन्नता होती है कि इसी के परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि एक अमीबा एक कृमि की शारीरिक बनावट में कितना अंतर है। क्या जीव विकास संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? क्या भोजन बनाने की क्षमता रखने वाले और बाहर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना में अवस्था भिन्नता पाई जाती है? जो जीव पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उनमें शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है? उसी तरह जंतुओं में किस तरह शरीर विकसित होता है और शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं। इसके विकसित विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट अंग कौन कौन से? इन प्रश्नों के माध्यम से हम देखते हैं कि किस तरह विभिन्न लक्षणों का पदानुक्रम विकसित होता है। वर्गीकरण के लिए पौधों के शरीर के विभिन्न लक्षण किस प्रकार जंतु से भिन्न होते हैं? इसकी वजह यह है कि पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन ग्रहण करने के अनुसार विकसित होता है। यही लक्षण वर्गीकरण के दौरान उपसमूह और फिर बाद में बड़े समूह में विभाजन का आधार बनते हैं। क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें देखते हैं, देख लेना, ठीक है? फिर आपके वर्गीकरण और जैव विकास, आप खुद देख रहे होंगे, इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आपको समझ में ना आ रहा हो। मतलब बड़ी अच्छी बुक्स लिखी गई हैं। आप अगर एक से दो बार पढ़ते हैं आपको समझ में आ जाती है। ऐसा कोई शब्द ही नहीं रहता है जो समझ में ना आए। पूरा कहानी का रूप देकर आप पढ़िए, आराम से समझ में आ जाएगा। अब वर्गीकरण और जैव विकास, सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में ज्यादा परिवर्तन लाते हैं। इसमें समय की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है तो यह शरीर में बाद में होने वाली कई परिवर्तनों को प्रभावित भी करती है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण के रूप में जाना जाता है। इससे यह भी पता चलता है कि जीवों के वर्गीकरण का जैव विकास से कितना नजदीकी संबंध है। जैव विकास होता क्या है? क्या जितने भी जीवों को देखते हैं वे सभी नियंत्रण होने वाले परिवर्तनों की उस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम है जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए आवश्यक थे। जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। जैव विकास की अवधारणा को सबसे पहले किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस तरह के कुछ पॉइंट हुआ करेंगे, उन्हें भी याद रख लिया करिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में बच सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। जैव विकास की इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़कर देखने पर हम पाते हैं कि कुछ जीव समूह की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पहले प्रकार के जीवों को आदिम अथवा निम्न जीव कहते हैं, जबकि जो दूसरे प्रकार के जीवों को उन्नत या फिर उच्च जीव कहते हैं। लेकिन ये शब्द उपयुक्त नहीं है। कैसे उपयुक्त नहीं है? क्योंकि इससे उनकी भिन्नताओं का ठीक से पता नहीं चलता है। इसके बजाय हम इनके लिए पुराने जीव और नए जीव
शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है, इसलिए पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जा सकता है। फिर आपका वर्गीकरण के समूहों की पदानुक्रम क्रमित संरचना, अर्नेस्ट हेकेल 1894, रॉबर्ट व्हिटेकर 1869, कार्ल बोस ए 1977 नामक वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया। व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत हैं, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये समूह कोशिकाओं कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए हैं। जो आपके व्हिटेकर साहब हैं, व्हिटेकर, इन्होंने इन सभी का वर्गीकरण इनकी संरचना पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण किया है। अगर वॉस की बात करें तो वॉस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्किबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में बांट दिया है, जो प्रयोग में ला जाता है। पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उप समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे जैसे जगत किंगडम, फाइलम यानी कि जंतु, डिवीजन यानी पादप, वर्ग, वर्ग मतलब क्लास, गण मतलब ऑर्डर, कुल मतलब फैमिली, वंश मतलब जीनस, जाति मतलब स्पीसीज। इस प्रकार वर्गीकरण के पदानुक्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटते हुए हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई का तक पहुंचते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति स्पीसीज है। अतः किन जीवों को हम एक जाति के जीव कहेंगे? एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप से काफी समानता होती है तथा वे जनन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जनन। यहाँ आपका कुछ पैराग्राफ दिया गया है, इसे भी देख लेते हैं। जैव विविधता से तात्पर्य क्या है आपका? जैव विविधता से तात्पर्य विभिन्न जीवों जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता से। अब आपको यही तो क्लियर करना है, यही कॉन्सेप्ट तो आपको देखना है। आपको थोड़ी ज्ञानी कोई बनना है कि मतलब रटना है कुछ। आप एनसीईआरटी पढ़ने का इतना ही मतलब है कि आप समझ जाए कि जैव विविधता क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, पारिस्थितिकी क्या होता है। समझ रहे हैं? इन्हीं को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, क्योंकि आगे जो भी टेक्स्ट वो होंगी उसमें इतना सरल, इतना कहानी का रूप देकर आपको कोई भी चैप्टर नहीं समझाया जाएगा, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए बनी है, कक्षा 9वीं के लिए, तो 9वीं के हिसाब से उनको समझाया जा रहा है। तो सबका मतलब यही होता है कि आपको अच्छे से समझ पाया जाए। यह शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों की ओर इंगित करता है। ये विभिन्न जीव ना सिर्फ एक समान पर्यावरण में रहते हैं बल्कि एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रजातियों का स्थायी समुदाय अस्तित्व में आता है। आधुनिक समय में मनुष्य ने इस समुदाय के संतुलन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास्तव में किसी समुदाय की विविधता भूमि, जल, जलवायु जैसी कई चीजों से प्रभावित होती है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवों की करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि हमें सिर्फ 10 लाख या फिर 20 लाख प्रजातियों की जानकारी है। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाले भाग हैं, वहां पौधों और जंतुओं में काफी विविधता पाई जाती है। अतः यह क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से ज्यादा भाग कुछ एक देशों जैसे ब्राजील हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू, मेक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया में केंद्रित है सबसे ज्यादा। समझ रहे हैं? जैव विविधता सबसे ज्यादा इन्हीं देशों में देखी जाती है। अब बात करते हैं व्हिटेकर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मोनेरा, इन जीवों में ना तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं और ना ही उनके शरीर बहुकोशिक होते हैं। किनके? मोनेरा की बात कर रहा हूं। इनमें पाई जाने वाली विविधता अन्य लक्षणों पर निर्भर करते हैं। इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति के होने या ना होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिक जीवों में कोशिका भित्ति के होने या ना होने के कारण आए परिवर्तनों से भिन्न होते हैं।
पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों ही हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु नीलहरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा, कुछ उदाहरण को 7.1 चित्र में दर्शाया गया है। देखिए मोनेरा बैक्टीरिया हो गया, स्तर बीजाणु ए हेटरोसिस्ट एना बीमा, फिर आपका प्रोटिस्टा, इसमें एक कोशिक यूकेरियोटिक जीव आते हैं। इस वर्ग के कुछ जीवों के गमन के लिए सीलिया फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण के लिए एक कोशिक शैवाल डाइएटम प्रोटोजोआ इत्यादि। उदाहरण के लिए चित्र में आप 7.2 देख सकते हैं। अपशिष्ट, इसमें आपका साइटोपाइच भोजन धानी, साइटोसोम मुख जान खांच, सूक्ष्म केंद्रक गुरु केंद्रक, सेलिया जलधानी, ये सभी आते हैं। पैरा पैरा मीसियम है, ठीक है, ये अमीबा। संकुचनशील, ये संकुचनशील धानी, ये आपका हो गया अग्रमुखी कूटपाद, ये आपका भोजन धानी, ये आपका क्रिस्टल, ये आपका केंद्रक माइटोकांड्रिया अंतर्दीप और बहिर्दीप यानी कि एक्टोप्लाज्म, ठीक है। इसके बाद युगलीना, एक केंद्रित केंद्रक क्लोरोप्लास्ट स्तर संकुचनशील धानी, प्रकाशगृह नेत्र बिंदु फिलेजिलम छोटा और ये आपका फिलेजिलम लंबा, ठीक है। अब बात करते हैं फंजाई के बारे में। ये विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव हैं। इनमें से कुछ पौध पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृत जीवी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मृत जीवी कहा जाता है। कई अन्य आतिथ्य जीव के जीवित जीव द्रव पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। इनमें से कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। उदाहरण के लिए आप ईस्ट ले सकते हैं, मोल्ड या मशरूम उदाहरण के लिए ले सकते हैं। ये आपका क्या हो गया? सैक्रोमाइसिस ईस्ट, पेनिसिलियम और एगिरिया एगरिकस, ये आपका मशरूम है। आपने देखा होगा इसी की आप लोग देखते हैं सब्जी बनती है। क्या हुआ कि एक बार, मुझे पता नहीं था पहले कि बहुत पहले कि इसकी भी सब्जी बनती है। मेरी जो मेस थी कैंटीन, वहां ये बनाया गया। मैंने उस दिन खाना ही नहीं खाया, मुझे लगा कि चला ये इसका भी मतलब होता है कुछ। बाद में मुझे मालूम चला कि इसकी खेती की जाती है, तो मैंने खाना शुरू किया। तो यही है आपका मशरूम, इसे मशरूम कहते हैं। इसे एक देहाती नाम मतलब ग्रामीण नाम भी है, कुकुरमुत्ता कहते हैं। आपके क्षेत्र में शायद यही कहते होंगे। अपने हिसाब से देखिए और बताइए, मुझे भी बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं इसे। कवकों की कुछ प्रजातियां नील हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती हैं, जिन्हें हम लोग सहजीविता कहते हैं। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। ये लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। फिर आते हैं आपके प्लांटी। इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकेरियोटी जीव आते हैं। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा जाता है। चूंकि पौधे और जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर होते हैं, अतः इन उपक्रमों की चर्चा बाद में करेंगे हम लोग, खंड 7.2 7.4 में। अब जीवधारी प्रोकैरियोटी यूकैरियोटी, इसमें आपका एक कोशिक हो गया, जैसे प्रोटेस्टा बहुकोशिक हो गया। इसे भी दो भागों में बांटते हैं, कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। इसमें आपका एनिमिलिया हो गया। अगर कोशिका भित्ति सहित की बात करें तो इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले जैसे फंजाई। इसमें आपके प्रकाश संश्लेषण वाले सूक्ष्म जैसे प्लांटी। पांच जगत वर्गीकरण किया गया है, पांच जगत में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं एनिमिलिया। इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिक यूकेरियोटी जीव आते हैं जिनमें कोशिकाएं भित्ति नहीं पाई जाती। इस वर्ग के जीव विषमपोषी कहलाते हैं। उस इस उपवर्ग की चर्चा हम लोग बाद में खंड 7.5 में करेंगे। अब ये आपके क्वेश्चंस हो गए ऊपर जो हमने पढ़ा है, देखते रहना। फिर आता है आपका प्लांटी। प्लांटी
पौधे में पितम स्तर का वर्गीकरण इस तत्व पर आधारित है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूप में विकसित एवं विविधित है अथवा नहीं। वर्गीकरण का अगला स्तर पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर होता है। तत्पश्चात वर्गीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पौधों में बीज धारण की क्षमता है अथवा नहीं। यदि बीज धारण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित है अथवा नहीं। थेलोफ्राइटा, इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। इस वर्ग के पौधों की को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। क्या कहते हैं? शैवाल। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए यूलोथिक्स, क्लेडोफोरा अल्बा, स्पाइरो गायरा कारा इत्यादि। 7.5 में आप देख रहे होंगे, ये है आपके यूलोथिक्स, क्लेडोफोरा, ये आपका अल्बा हो गया, स्पाइरो गायरा कोशिका भी तीस में क्लोरोप्लास्ट भी है, पाइनिनोइड केंद्रक जीव द्रव इसमें देखने को मिलेगा, ये आपका कारा हो गया, ठीक है सवाल। फिर आपका बायोफाइटा, इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, या पादप तना और पत्तों जैसी संरचना विभाजित होती है। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल और दूसरी चीजों के संवहन की एक लिए के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते। उदाहरण के लिए मॉस, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया इत्यादि, चित्त आप 7.6 में देख सकते हैं। एरेक्सिया हो गया, मार्केसिया हो गया, फ्यूनेरिया हो गया, देख रहे हैं आप। अब है आपका टेरिडोफाइटा, इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए मार्सिलिया, फर्न, हॉस्टेल इत्यादि। इन तीन समूहों के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, अतः एक क्रिप्टोगेम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम। दूसरी ओर वे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित एवं विभेदित होता है तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, फेनरोगेम कहलाते हैं। बीज लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है। बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः दो वर्गों में विभक्त किया जाता है, जिम्नोस्पर्म, नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, और एंजियोस्पर्म, ये फल के अंदर बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं। कुछ आपके टेरिडोफाइटा इस प्रकार है, मार्सिलिया, इसमें तना हो गया, ये आपके तना नीचे जड़ें दिख रही हैं आपको, ये आपके हो गया स्पोरोकार्प, ये आपकी पत्ती होगी, ये फर्न है आपका, देख लीजिए। जिम्नोस्पर्म, इस शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों जिम्नो तथा स्पर्मा से मिलकर हुई है, जिसमें जिम्नो का अर्थ होता है नगर तथा स्पर्मा का अर्थ होता है बीज, अथवा इन्हें नग्न बीज पौधे भी कहा जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार काष्ठीय होते हैं, उदाहरण के लिए पाइनस और साइकस को ले सकते हैं, पाइनस हो गया और ये आपका साइकस हो गया, कुछ नग्न बीज वाले उदाहरण है, ठीक है। फिर आपका एंजियोस्पर्म, यह दो ग्रीक शब्दों एंजियो और स्पर्मा से मिलकर बना है। एंजियो का अर्थ होता है ढका हुआ, स्पर्मा का अर्थ होता है बीज। इन्हें पुष्पी पादप भी हम लोग कहा जाता है, अर्थात इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जो बाद में फल बनता है, और बीजों में बीज पत्र होता है, एक बीजी पत्र हो गया। फिर ढका होता है जो बीज के अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है। बीज पत्तों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को दो भागों में बांटते हैं, एक बीज पत्र वाले पौधों को एक बीज पत्ती, और दो बीज पत्ती वाले जो पौधे होते हैं उन्हें दो बीज पत्ती कहा जाता है। पौधों के वर्गीकरण का आलेख चित्र 7.11 में दर्शा गया है। ये आपके एक बीजी पत्त हो गया, ये आपके दो बीज पत्त हो गया, ठीक है। पादप शरीर क्रिया शरीर बिना विभेदन के थैलोफाइटा हो गया। विभेदित पादप शरीर की बात करें तो इसे भी दो भागों में बांटा गया, बिना संवहनी ऊतक के बायोफाइटा और संवहनी ऊतक सहित
समेहनी जो ऊतक सहित है इसे भी दो भागों में बांटा गया, बीज रहे टेरिडोफाइटा और दूसरा है बीज उत्पादित करने वाला फेनरोगेम, इसे भी दो भागों में बांटते हैं, नग्न बीज जिमने आपका जिम्नोस्पर्म है और दूसरा फलों में बंद बीज वाले इसे एंजियोस्पर्म जैसे है। एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटते हैं, दो बीज पत्र वाले बीज द्विबीजपत्री और एक बीज पत्र वाले जो बीज होते हैं उन्हें हम लोग एक बीज पत्री कहते हैं। ये आपके पादपों का वर्गीकरण किया गया इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, एक आपका क्रियाकलाप देख लेते हैं 7.2। याद रखिए क्रियाकलाप जो भी होते हैं इन्हें आपको करने नहीं बैठना है, आपको पढ़ना है और निकल जाना है। ठीक है, भेगे हुए चने गेहूं मक्का मटर और इमली के बीज लिए, भीगे हुए बीज जब अवशोषण के कारण नरम हो जाते हैं तो इन बीजों को दो भागों में बांटने का प्रयास कीजिए, क्या इनमें सभी के बीज फटकर दो बराबर भागों में बट जाते हैं? जिन बीजों में दो दालें दिखाई देती हैं वे दुई बीज पत्ती जो नहीं टूटते हैं वो दालें नहीं दिखाई देती वे एक बीज पत्ती कहलाते हैं। अब इन पौधों की जड़ें पत्तियों और फूलों को देखें, क्या ये जड़ें मूसला या फिर रेशेदार हैं? क्या पत्तियों में समानांतर अथवा जालिका वत सिरा बिन्या? इन पौधों के फूलों में कितनी पंखुड़ियां हैं? क्या आप एक बीज पत्री दो बीज पत्री पौधों और अधिक लक्षण अपने अवलोकन के आधार पर लिख सकते हैं? सीधा सा कहने का मतलब है ए कि अगर कोई आप गेहूं को लीजिए चने को लीजिए, चने को आप देखते हैं कि दो बीज यानी कि दो भागों में बांटा जा सकता है, इसे जब खुल जाए तो जब बीज आपने देखा होगा जमता भी है उगता है तब भी ये दो भागों में बट जाता है, तो इसे आप लोग दो बीज ही कह देते हैं, समझ रहे हैं? है। फिर आपका एनी मेलिया, इस वर्ग में यूकेरियोटी बहुकोशिक और विषम कोशी जीवों को रखा गया है, इनकी की कोशिकाओं में कोशिका भीति नहीं पाई जाती है, अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं और शारीरिक संरचना एवं विविधीकरण के आधार पर इनका आगे वर्गीकरण किया गया है। पोरीफेरा, पोरीफेरा का अर्थ होता है छिद्रयुक्त जीवधारी, ये अचल जीव है जो किसी आधार के चिपक चिपके रहते हैं, इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं, ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं जिसके माध्यम से शरीर में जल ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है, इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है जिनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता है, इन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए साइकोन साइकोन यूप्लिकेटला स्पंजिला इत्यादि, कुछ उदाहरण आपके 7.12 में दर्शाए गए, यूप्लिकेटला साइकोन हो गया या आपके स्पंजिला हो गया, ये पोरीफेरा में सभी उदाहरण इसके। फिर आपका सिलेंटरेटा, बेजलीय एक जलीय जंतु है, इनका शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर का होता है, इनमें एक देहगुरा पाई जाती है और इनका शारीरिक कोशिका की दो परतें परतों आंतरिक और बाह्य परत का बना होता है, इनकी कुछ जातियां समूह में रहती हैं जैसे कोरल, कुछ एकाकी होती भी है एकाकी भी होती है जैसे हाइड्रा हो गया, उदाहरण के लिए हाइड्रा समुद्री एनीमोन और जेलीफिश इत्यादि, चित्र 7.13 में आप देख रहे होंगे, सीलेंट रेटा समुद्री एनीमोन हो गया, स्पर्शक ए हाइड्रा हो गया, पाद जटर संवहनी गुहा हो गया, इसमें देखिए ए गैस्ट्रोडर्मिस ये आपका हो गया, मेसोगिलिया एपिडर्मिस ए मुख हो गया, दंश कोशिका हो गया, प्लेटी हेल्मिंथीज पूर्ववर्ती वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है, इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है अर्थात शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है, इनका शरीर तिकोरक होता है, क्या होता है? तिकोरक होता है अर्थात इनका ऊतक विभेदन तीन कोशिका स्तरों से होगा, इसमें शरीर में बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की के अस्तर बनते हैं तथा इनमें कुछ अंग भी बनते हैं, इनमें वास्तविक देहगुहा का अभाव होता है जिसमें सुविकसित अंग विकसित व्यवस्थित हो सकते हैं, इनका शरीर पृष्ठधारियों एवं चपटा होता है इसलिए इन्हें चपटे किन्मी भी कहा जाता है, इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु लेवरपूल
फ्लू जैसे परजीवी, उदाहरण के लिए चित्र 7.14 में देख सकते हैं आप लोग, इनकी बात कर रहा हूँ। प्लेन एरिया हो गया, देखिए ये मुख हो गया, फरेंक्स आँख हो गई, संवहनी गुहा हो गई, ये आपका लीवर प्यूर फ्लू हो गया, एसिटिबुलम ये आपका टेव टैप वर्स वर्म हो गया, गर्दन चूसक स्लो स्कूलेक्स, फिर आपकी निमेटोडा निमेटोडा, ये भी त्रिकोरक जंतु है, इनमें भी द्विपार्श्विक सममिति पाई जाती है, लेकिन इनका शरीर चपटा ना होकर बेलनाकार होता है। इनके देह गुहा को कूटसीलोम कहते हैं, इसमें ऊतक पाए जाते हैं परंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। इनकी शारीरिक संरचना भी त्रिकोरिक होती है, ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं, परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, उदाहरण के लिए गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि आदि, उदाहरण के लिए 7.15 में दिखाए गए। एस्केरिस और बुचेरिया रेलिया, ठीक है, नर हो गया, हिमदा हो गया, कुछ निमेटोड। अब बात करते हैं एनीलिडा, एनीलिडा एनीलिड जंतु द्विपार्श्व सममित एक एवं त्रिकोरिक होते हैं, इनमें वास्तविक देह गुहा भी पाई जाती है, इससे वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं, अतः अंगों में व्यापक विभिन्नता भी होती है। यह भिन्नता इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित रहती है। जलीय एनीलिड एनीलिड आलवड़ और लवड़ीय जल दोनों में पाए जाते हैं, इनमें संवहन पाचन उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, ये जलीय और स्थलीय दोनों में होते हैं, उदाहरण के लिए केंचुआ नेरिस और जोंक इत्यादि को ले सकते हैं। देखिए कुछ एनीलिड जंतु हैं, नेरिस हो गया, ये इसे आप लोगों ने देखा होगा, पेल्स पार्ट्स पार्ट्स पार्ट बरसात के समय आप देखते हैं इसे, ये केंचुआ हो गया, जनन पेपिला ये गुदा हो गई इसकी, जोंक इसे भी आप बरसात के, इन सभी को बरसात के मौसम में आप अधिकतर बार देखते होंगे। आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, इसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है और शरीर खंडयुक्त होता है, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अतः रोधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है, देह गुहा रक्त से भारी होती है, इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, कुछ सामान्य उदाहरण झींगा तितली मक्खी मकड़ी बिच्छू केकड़े इत्यादि पाए जाते हैं। ये आपका झींगा हो गया, ये आपका बिच्छू पेलीमोन इसे कहते हैं, इसे पेलीमिनियस कहते हैं, बिच्छू एरिनिया मकड़ी, इस बिच्छू ने आपको काटा है कभी, अगर आपने देखा हो और काटा हो तो आप बताइए नीचे कमेंट में, ठीक है। मुझे तो एक बार काटा है लेकिन मुझे ज्यादा असर नहीं पड़ता है इसका, पता मुझे तो लगा किसी चींटी ने काटा है, चींटी ने, मैं भूल गया था, बाद में मालूम चला है कि मेरे कपड़े में बिच्छू भी पल रहा है। कुछ आपके आर्थोपोड भी हैं जंतु, पैरी प्लीनीटा त्रिचंटा, मक्का मस्का घरेलू मक्की, तितली स्कूलोपेडा सतपा। एक बात तो आप लोग समझ लीजिए, जो सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, जो करते हैं वैसे करते हो तो हर कोई है, आप देखते होंगे कि हर इस समय हर कोई कर रहा है तैयारी तो, और फेसबुक पर आपको हजार लोग मिल जाएंगे, व्हाट्सअप फेसबुक इस तरह की सोशल मीडिया पर हजार तैयारी करने वाले मिल जाएंगे लाखों की संख्या में, लेकिन जो हकीकत करता है कि उसकी जिंदगी बहुत बुरी रहती है, जब वो तैयारी करता है उस दौरान बहुत बुरी स्थिति रहती है। वैसे और बाकी लोगों का छोड़िए, जो मतलब वो घर से सक्सेस हैं उनकी बात छोड़िए, जो मतलब स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी से, लड़ रहे होते हैं और खुद की दम पर कुछ खड़ा करना चाहते होते हैं, उनकी जिंदगी बहुत उस समय बुरी देखने को मिलती है। मोलस्का, इसमें भी द्विपार्श्विक पार सममिति पाई जाती है, इनकी देह गुहा बहुत कम होती है और शरीर में थोड़ा विखंडन होता है, अधिकांश मोलस्क जंतुओं में कवच पाया जाता है, इनमें खुली संवहनी तंत्र और उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना भी पाई जाती है, उदाहरण के घोंघा सीप इत्यादि ले सकते हैं, काइटोन हो गया, ऑक्टोपस हो गया, घोंघा यूनिक्यू हो गया, कुछ मोलस्क जंतु हैं। फिर आपके इकाई नोडमेटा,
ग्रीक में इकाई नोस का अर्थ होता है जाहक, हेज, हॉक। डर्मा का अर्थ होता है त्वचा। अतः इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं। ये देव देह गुहा युक्त तिकोरिक जंतु हैं। इनमें विशिष्ट जल समूह नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्टारफिश, समुद्री अर्चिन इत्यादि को रखा गया है इसमें। ये आपका एंटोडॉन पंख तारा हो गया, होलोथोरिया समुद्री कीड़ा, एकाइनो समुद्री अर्चिन, एस्टी एस्टेरी एस तारा मछली हो गई। देख रहे हैं इस तरह से भी मछली होती है। ये समुद्री कीड़ा हो गया, कभी जरूरत पड़े तो ले आना। पर आपका प्रोटोकार्डेटा ये द्विपार सममित होता है और तिकोरिक और एवं देह गुहायुक्त जंतु होता है। इसमें इसके अतिरिक्त ये शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं, जैसे कि नोटो कार्ड। ये नए लक्षण उनके शरीर में उनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। नोटोकार्ड छड़ की तरह की एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। यह तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है। यह पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है जिससे चलने में आसानी हो। और प्रोटोकार्डेट जंतुओं में जीवन का सभी अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड नहीं उपस्थित रह सकता है। ये समुद्री तंतु हैं। उदाहरण के लिए बेले बेले नागलो सस, हर्डमेनिया, एम्फियोकस इत्यादि, ये आप देख रहे होंगे। एक प्रोटोकार्डेट बेले नागलोसस, इसमें एक उदा हो गया यकृत, पश्चयकृत क्षेत्र, उसके बाद यकृतीय क्षेत्र, यकृतीय सीका, मध्य पेष्टीय ओवार, पेष्टीय जनन पंख, किलोम, ये आपके ब्रेकियल क्षेत्र, कॉलर, कॉलर और सूंड। अब है आपका वर्टिब्रेटा कशेरुकी। इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतरा कंगाल पाए जाते हैं। इस कारण जंतुओं में पेशियों का विवरण अलग होता है एवं पेशियां कंगाल से जुड़ी होती हैं जो इन्हें चलने में सहायता करती हैं। वर्टिब्रेट द्विपार्श्व संबंधित तिकोरिक देह गुहा वाले जंतु हैं। इनमें ऊतकों एवं अंगों की का जटिल विवेतन पाया जाता है। सभी कसोरी की जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड, पृष्ठ नलीय कशेरुक दंड एवं मेरुदंड रज्जु, तिकोरिक शरीर, युग्मित किलोम थैली, देह गुहा। वर्टी बेटा है जो वर्टिब्रेटा, इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी है। इसकी इनकी विशेषताएं लंबे ईल के आकार का शरीर, गोलाकार मुख एवं शल्क रहित चिकनी त्वचा का होना है। ये बाह्य परजीवी होते हैं जो दूसरे कशेरुकी से संबंध हो जाते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रा माइजोन लिम्फे और मैगजीन, इसे हाप्लो हैग मछली भी कहते हैं। जबड़ा रहित कशेरुकी पेट्रोमाइजोन है मछली की तरह बिल्कुल। मत्स्य, ये मछलियां हैं जो समुद्री और मीठे जल दोनों जगहों पर रहती हैं। इनकी त्वचा शल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है, अतः ये अपनी मांसल पूंछ का उपयोग तैरने के लिए करते हैं। इनका शरीर धारा रेखीय होता है मछलियों का। इनमें श्वसन क्रिया के लिए किलोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये असमतापी होते हैं। इनका हृदय द्विकक्षीय होता है, ये अंडे देती है। कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, जैसे सार्क। अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल का अस्थि बना होता है, ट्यूना हो गया, रोहू हो गया। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं ये क्रोपस, स्पेलेंडिडस मेंडारिन फिश, टेरोडस बोलीटंस लोएन फिश, कालू फाइरेन जॉर्डानी ये एंगर फिश है, या कि टॉरपीडो यानी कि विद्युत रे, ये स्टिंग रे, दंश रे, ये आपकी डॉग फिश है, देख लीजिए। ठीक है, कुछ मत्स्य हैं आपकी, ये आपके हैं कुछ मत्स्य, यहाँ भी दिए गए हैं। ये लोबिया रवि, ये नर हिप्पोकैम्पस दरियाई घोड़ा भी कहते हैं इसे। ये आपका एक्सो सीटस उड़न मछली, उड़ने वाली मछली,
एनाबास, क्लाई विंग पर्च, ये है आपका, समझ में आया। अब है आपका जल स्थलचर, ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनके जो शल्क नहीं पाए जाते हैं, इनमें शल्क नहीं पाए जाते हैं, इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है तथा हृदय त्रिकक्षीय होता है। क्या होता है? तीन कोष्ठ होते हैं हृदय में, इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है। वृक्क पाए जाते हैं, श्वसन के लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है इनका, जो सांस लेने की प्रक्रिया है केलोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। यह अंडे देने वाले जंतु होते हैं, ये जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। जैसे उदाहरण आप देखते हैं मेंढक, सिलामेंडर, टोड इत्यादि। आपने देखा होगा कि मेंढक आपकी उसमें भी रह लेती है, पानी में भी और बाहर भी। इराना ट्रेगेनिका, टिग्रेना, ये साधारण मेंढक है। हाइला, ये वृक्ष मेंढक है। टोड, वही आपकी सेलामेंडर है, ठीक है। उसके बाद सरीसृप आते हैं, ये असमतापी जंतु हैं। इनका शरीर शल्कों द्वारा ढका होता है, इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है फेफड़ों द्वारा होती है। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, यानी कि तीन ही कोष्ठ होते हैं इसमें भी। लेकिन जो मगरमच्छ है आपका, इसमें हृदय में चार कक्षीय होते हैं। कितने? काग चार कक्ष होते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मगरमच्छ इसका अपवाद है क्योंकि सभी में तीन कक्ष पाए जाते हैं, इसमें चार कक्ष। वृक पाया जाता है इसमें, ये भी अंडे देने वाले प्राणी हैं। इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं अतः जल स्थलचर की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उदाहरण के लिए कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, या कैमेलियन, टर्टर, किंग कोबरा, घरेलू छिपकली, उड़न छिपकली, उड़ने वाली छिपकली, डेक्रो, कुछ सरीसृप हैं, ठीक है। आपके हैं अब पक्षी, ये समतापी प्रणाली है, ये समतापी प्राणी है। इनका हृदय चार कक्षीय होता है, यानी कि इनके हृदय में भी चार कक्ष होते हैं। इनके दो जोड़ी पैर होते हैं, इनमें आगे वाले दो पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर फरों से ढका होता है, श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इन वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं नीचे, सफेद स्टॉक, सीकोनिया, सीकोनिया, ऑस्टिच, स्ट्रोथियो कैमिलस, नर गुच्छेदार बतख, आयथिया फ्यूलीगुला, कबूतर, गोरेया, और एक कोवा है, कबूतर कोवा, कुछ पक्षी हो गए, ठीक है। फिर आपके पाए जाते हैं स्तनपाई, स्तनपाई ये समतापी प्राणी, हृदय इनमें चार कक्षीय होता है, दो नेले दो अलिंद। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पर बाल, स्वेद और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस वर्ग में जंतु वर्ग के जंतुओं को जन्म देने वाले होते हैं, शिशुओं को, ये अंडे नहीं देते हैं, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं, जैसे आपने देखा होगा इकिडेना, पेलिटीपस, कंगारू जैसे कुछ स्तनपाई में अविकसित बच्चे मार्सुपियम नामक थैली में तब तक लटकते रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता है। कुछ उदाहरण नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ बिल्ली हो गया, मनुष्य, चूहा, चमगादड़, हेल, चमगादड़ उड़ने वाली है फिर भी ये अंडा देती है, सॉरी बच्चे को जन्म देती है डायरेक्ट, ठीक है। ये कुछ स्तनपाई हो गए। अब नाम पद्धति की अगर हम बात करें तो जीवों के वर्गीकरण का नाम की आवश्यकता आखिर क्यों है, आवश्यकता क्यों है? इससे पहले हम लोग एक नाम आपने कैरोलिनियस सुना होगा, इनके बारे में जान लेते हैं। कैरोलिनियस कार्ल वॉन लेने का जन्म स्वीडन में हुआ था और वे पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन पौधों के अध्ययन में उनका खासी दिलचस्पी थी। 22 वर्ष की आयु में पौधों पर उनका पहला शोध पत्र प्रकाशित हुआ था और इनका जीवन चला है 707 से 778 तक। एक धनी अधिकारी के यहाँ नौकरी करते हुए उन्होंने अपने मालिक के बगीचे में पौधों की विविधता का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी जो आगे चलकर विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों का आधार बनी। इस विषय पर उनके 14 शोधपत्र भी प्रकाशित हुए। उनके द्वारा दी गई वर्गीकरण प्रणाली में पौधों को सरल क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे उनकी पहचान हो सके। अब एक क्रियाकलाप आपका दिया गया है, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित जंतुओं और पौधों के नाम जितनी भाषाएं में संभव हो सके आप बताएं। चीता, मोर, चिंटी, नीम, कमल, आलू,
इनमें सभी के नाम भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग होते हैं, इसलिए जब कोई एक भाषा में जीव की बात कर रहा हो तो हो सकता है कि दूसरी भाषा में जानने वाला समझ भी ना पाए। इस समस्या का हल वैज्ञानिकों ने सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम देकर उसे हल किया, जैसे कि विभिन्न रासायनिक तत्वों को संकेत में निरूपित करके किया जाता है। इसी प्रकार किसी जीव का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है और पूरे संसार में उसी नाम से जाना जाता है। नाम पद्धति के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं वह सबसे पहले कैरोलस लिनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू किया था। किसके द्वारा? कैरोलस लिनियस द्वारा। वैज्ञानिक नाम पद्धति प्रणाली जीवों की एक दूसरे में पाई जाने वाली समानता और असमानता पर निर्भर करती है। हालांकि नाम पद्धति में हम जीव के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान में नहीं रखते हैं, बल्कि केवल जीनस एवं स्पीसीज का ही ध्यान रखा जाता है। नाम पद्धति के लिए दुनिया भर में कुछ विशेष बातों पर विचार किया जाता है। जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होता है, यानी कि कैपिटल से। प्रजाति का जो नाम है ये छोटे अक्षर यानी कि स्मॉल अक्षर से शुरू होता है। छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक से लिखे जाते हैं। जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीशीज दोनों को अलग अलग रेखांकित करके किया जाता है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में आपके भारत में ही कई पक्षी कई जीव ऐसे हैं कि उन्हें अन्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके लिए दुनिया में अलग अलग नाम पड़े होंगे, अन्य देश में इसका अलग नाम होगा। इसके लिए एक वैज्ञानिक नाम दे दिया गया है जो सबके लिए समान होगा, चाहे वो इंडिया में हो फिर चाहे अन्य देशों में हो। ठीक है, ये आपके कुछ यहाँ प्रणाली दिए गए, इन्हें भी देख लीजिए। कोशिकीय स्तर की संरचना पोरीफेरा इसमें उदाहरण है। ऊतक की स्तर की संरचना के आधार पर बात करें तो इसे तीन भागों में बांटा गया है। बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच कोई देहवा नहीं, इसमें आपका सेली सील लेंट रेटा और प्लेटी हेलमिंथीज हो गया। कूट देहग्वाधारी इसमें निमेटोडा हो गया। देहग्वाधारी इसमें आपका इसे दो भागों में बांटते हैं। भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मेसोडर्म की कोशिका का विकास, इसमें आपका एनिलिडा मोलस्का आर्थ्रोपोडा हो गया। दूसरे भाग में बांट देते हैं अंतःस्थल की एक थली से देहगुहा का बनना, इसमें आपने देखा होगा कि नोटोकार्डियोविहीन इकाई नोड मेटा और नोटोकार्ड कोड युक्त कोर्डेटा, इसे भी आप दो भागों में बांट सकते हैं। लार्वा में अवस्थित नोटोकोर्ड की उपस्थिति, इसमें आप जैसे ले सकते हैं प्रोटो कोर्डेटा, और दूसरा है आपका वयस्क में मेरुदंड द्वारा नोटोकार्डेटा का प्रतिस्थापन कशेरुकी, इसे आपने देखा है कि इसे पांच भागों में बांट देते हैं। जबड़ा रहित ईल के आकार का गोलाकार मुख, शल्क रहित चिकनी त्वचा, इसमें आप देख सकते हैं कि साइक्लो एस्टोमेटा की बात कर रहा हूँ। दूसरा है शल्क का बाह्य कंकाल, अस्थि उपास्थि का अंत, कंकाल और क्लोम द्वारा शोषण, इसमें मत्स्य रखा जाता है। फिर लावा में क्लोम अधिकतर, वयस्क में फेफड़े, श्लेष्मा युक्त त्वचा, जलस्थलचर जीवों को रखा जाता है। फिर आपका शल्क का बाह्य कंकाल जल के बाहर अंडे देता है, शरीर से हो गया। पंखों का बाह्य कंकाल जल के बाहर अंडे देना, उड़ने की क्षमता एक पक्षी। बाल का बाह्य कंकाल बाह्यकरण अधिकतर शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। स्तर पाई ये आपके छह प्रकार के होते हैं। ठीक है, कशेरुकी ये आपका क्रियाकलाप दिया गया है, इसे भी देख लेते हैं। किन्हीं पांच जंतुओं और पौधों के वैज्ञानिक नाम का पता लगाइए, क्या इनके वैज्ञानिक नाम और सामान्य नाम में क्या समानता है? इसमें समानता क्या है? जैसे आपने देखा होगा मनुष्य को कहते हैं होमोसिपियंस, मनुष्य को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? होमोसिपियंस। मेढक का होगा राना ट्रिगिनिका, बिल्ली का होगा फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का होगा कैनिस फैमिलियर्स, गाय का बॉस इंडिकस, भैंस का बुबालस बुबालिस, बैल का बॉस प्रिमिजिनियस तार, बकरी का होगा कैप्टा हिट मस। ठीक है, वैसे भी पीछे हम लोगों ने जितने भी जीव जंतु देखे हुए हैं उदाहरण के रूप में उनका वैज्ञानिक नाम भी कोष्टक में दिया गया था, आपने देखा होगा। तो इस अध्याय में आपने क्या क्या सीखा? सबसे अच्छी बात यही है कि इसका निष्कर्ष भी दे दिया जाता है लास्ट में, जैसे आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन, एक तरह से आपको क्या पढ़ना चाहिए था क्या नहीं उसका पता चल जाता है। वर्गीकरण जीव
जीवों की विविधता को स्पष्ट करने में सहायक होता है। जीवों की को पांच जगत में वर्गीकृत करने के लिए निम्न विशेषताओं को ध्यान में रखा गया जाता है। कोशिका संरचना प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी अथवा यूकैरियोटी। जीव का शरीर एक कोशिक अथवा बहुकोशिक। बहुकोशिक जीवों की संरचना जटिल होती है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा स्वकोष्ठक की क्षमता। उपयुक्त आधार सभी जीवों को पांच जगतों में बांटते हैं, मोनेटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित है। उनके विकास से प्लांटी और एनिमिलिया को उनकी क्रमिक शारीरिक जटिलता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पौधों को पांच वर्गों में बांटा गया है, शैवाल, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जंतुओं को 10 फाइलम में बांटा गया है, पोरीफेरा, सीलेंटरेटा, प्लेटी हेलविंथीज, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोड, मेटा, ओटो, कार्डेटा और कार्डेटा। द्विपद नाम पद्धति जीवों का सही पहचान में सहायता करती है। द्विपद नाम पद्धति में पहला नाम जीनस और दूसरा स्पीसीज का होता है। ये आपके अध्याय से संबंधित क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी आप देखते रहिएगा। तो ये था आपका सातवां अध्याय जीवों में विविधता। अगले अध्याय में हम लोग आठवें अध्याय में बात करेंगे गति के बारे में।